नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा ग्रहों की गति के बारे में कि ग्रहों की जो गति है, इनकी स्पीड है अचक्र में चलने की, वो क्या होती है। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, क्या होती है ग्रहों की गति। दोस्तों, भचक्र के अंदर ग्रह घूमते रहते हैं, लेकिन हर ग्रह का अपना एक स्पीड का नियम है घूमने का, और इसका ज्योतिष में बहुत महत्व है। तो दोस्तों, मेरे राइट साइड पर आपको एक टेबल दिखाई दे रही है। इस टेबल में सबसे पहले आप देखेंगे कि ग्रह लिखे हैं, उसके साथ में लिखा है गति प्रतिदिन की दर से, मतलब ग्रह एक दिन में कितना चलते हैं, और उसके बाद लिखा है राशि भ्रमण का लगभग समय, मतलब एक राशि में ग्रह एक राशि को पार करने में ग्रह कितना समय लेते हैं। दोस्तों, भचक्र के अंदर जो नक्षत्र होते हैं वो हमेशा फिक्स रहते हैं, स्थिर रहते हैं, वो मूवमेंट नहीं करते, उनकी कोई गति नहीं होती। और ग्रह ही नक्षत्रों में गतिशील रहते हैं, चलायमान रहते हैं, और ग्रहों की अपनी एक रफ्तार है। तो टेबल में आप देखें, सबसे पहले लिखा है सूर्य। तो सूर्य की जो गति है भचक्र के अंदर, एक डिग्री प्रतिदिन के हिसाब से है, मतलब सूर्य एक डिग्री चलता है एक दिन में, और एक पूरी राशि को पार करता है। जैसे आगे आप देख रहे हैं जिसमें लिखा है राशि भ्रमण का लगभग समय, एक राशि को पार करता है एक महीने में, लगभग एक महीने में सूर्य एक राशि को पार करता है। एक राशि 30 डिग्री की होती है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पूरा भचक्र 360 डिग्री का माना गया है। जब उसको बराबर 12 भागों में बांटा गया तो ये 12 भाग राशियाँ बने, और हर राशि की बराबर डिग्री आई 30 डिग्री, तो एक राशि 30 डिग्री की होती है। तो सूर्य एक दिन में एक डिग्री चलते हैं, और एक राशि को पार करने में लगभग एक महीने का समय लेते हैं। उसके बाद आता है चंद्रमा। चंद्रमा की जो गति है प्रतिदिन की, वो 13 से 15 डिग्री तक है, और चंद्रमा एक राशि में 2 से 2.25 दिन तक रहते हैं, मतलब एक राशि को पार करने में 2 से 2.25 दिन का समय लेते हैं। चंद्रमा सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह है, फास्ट मूविंग प्लैनेट है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल 30 से 45 मिनट की गति है प्रतिदिन की, और मंगल एक राशि को पार करने में लगभग 1.5 महीने का समय लेते हैं। अब बुध की जो प्रतिदिन की गति है वो है 65 से 100 मिनट, और लगभग 24 दिन में बुध एक राशि को पार करते हैं। अब बात करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र की गति प्रतिदिन की दर से है लगभग 62 से 82 मिनट, 62 to 82 मिनट्स, और एक राशि को पार करने में शुक्र लेते हैं 25 दिन का समय। बृहस्पति की जो गति है प्रतिदिन की दर से वो है 5 से 15 मिनट, और एक राशि को पार करने में बृहस्पति लगभग 1 साल का समय लेते हैं। अब बात करते हैं शनि के बारे में। शनि
की जो गति है प्रतिदिन की दर से लगभग 2 मिनट है और शनि एक राशि को पार करने में 2.5 साल का समय लेते हैं, मतलब शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। अब बात करते हैं, लिखा है छाया ग्रह। छाया ग्रह मतलब राहु केतु। राहु केतु कोई ग्रह नहीं है, ये सिर्फ मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं और इनको छाया ग्रह का नाम दिया गया है और इनका ज्योतिष में बहुत बड़ा महत्व है। तो छाया ग्रह मतलब राहु केतु की जो गति है प्रतिदिन की दर से वो है लगभग 3 मिनट और राहु केतु एक राशि को पार करने में लगभग 1.5 साल का समय लेते हैं। दोस्तों, जो ग्रहों की गति है उसमें जो ये आप देख रहे हैं भिन्नता है, ये सूर्य 1 महीने में राशि को पार करता है, चंद्रमा 2 से 2.25 दिन में पार कर लेता है, मंगल 1.5 महीने में पार करता है, ऐसे ही शनि 2.5 साल में पार करते हैं एक राशि को। वह एक ही राशि को पार करने में हर ग्रह का जो टाइम है, जो स्पीड है, जो पीरियड है, वो अलग अलग है। तो ये जो डिफरेंस है स्पीड का, गति की जो भिन्नता है, तो इसी की वजह से ग्रह दूसरे ग्रहों से अलग अलग प्रकार के संबंध स्थापित करते हैं और एक दूसरे के साथ ये ग्रह जो संबंध स्थापित करते हैं उसका ज्योतिष में बहुत यूज है, बहुत उसकी उपयोगिता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इस वीडियो से एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।